Our today's topic is computer virus, worms and vaccines. कंप्यूटर वायरस क्या होता है, वॉर्म्स क्या होता है और उसके ऊपर में उपाय यानी वैक्सीन क्या होती है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे। कंप्यूटर वायरस इज अ स्मॉल सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर वायरस इज ए स्मॉल सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वायरस क्या है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है दैट इज डिजाइन वो किस लिए बना है, That is designed, computer virus is a small software program that is designed, क्या उद्देश्य हो सकता है इसको बनाने का, to spread from one's computer to spread from one computer to another and to interfere with computer operation and to interfere with कंप्यूटर ऑपरेशन। क्या होता है कंप्यूटर वायरस, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसे इस तरह से बनाया जाता है कि वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फैलाया जा सके और उसका उद्देश्य क्या होता है कि कंप्यूटर के जो कार्य प्रणाली है उसे कहीं ना कहीं उसमें एक इंटरफेयर निर्माण किया जाए, उसके काम करने की प्रणाली में कहीं ना कहीं कुछ रोक थाम किया जाए, उसके काम करने में दिक्कतें पैदा की जाए, इस तरह के लिए ये वायरस बनाया जाता है। अ ट्रू वायरस इज कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, a true virus is capable, एक सच्चा वायरस किस चीज के लिए कैपेबल होता है, ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन ऑन ए मशीन, मशीन के अंदर में खुद को दुगना करने की क्षमता इस वायरस में होती है। वायरस फैलता कैसा है, वायरस में भी स्प्रेड, वायरस में भी स्प्रेड कैसे फैलता है, वायरस में भी स्प्रेड बिटवीन फाइल्स और डिस्क।
पारस्परिकता कैसे है, किसी फाइल के माध्यम से या किसी डिस्क के माध्यम से, जैसे हमने पेन ड्राइव लगा दिया, हमने कोई और डिवाइस लगा दिया है ना, कभी कभी सीडीज के थ्रू भी वायरस आता है। तो वायरस फैलता कैसे है, बिटवीन फाइल्स और डिस्क। एक तो हमने कोई फाइल, हमने करप्टेड फाइल, वायरस से पहले से करप्टेड फाइल है, वो हमने किसी से ली है या किसी को दी है, इस माध्यम से वो वायरस फैलाया जाता है या फिर वायरस फैलता है। देयर आर एस्टिमेटेड 30,000 कंप्यूटर वायरसेस इन एक्जिस्टेंस। तीस हजार कंप्यूटर वायरस मौजूद है। कितना? 30,000 कंप्यूटर वायरस मौजूद है। There are 30,000 computer virus in existence. 30,000 कंप्यूटर वायरस अभी फिलहाल में दुनिया में मौजूद है। क्या करते हैं, ओवर 300 न्यू और 300 नए हर महीने तैयार किए जा रहे हैं। ओवर 300 न्यू वायरसेस क्रिएटेड एवरी मंथ, हर महीने 300 नए वायरस तैयार किए जा रहे हैं। फर्स्ट वायरस वॉज क्रिएटेड पहला वायरस किस लिए बनाया गया था, टू शो टू फॉल्स। To show loopholes in software. पहला जो वायरस बनाया गया था वो उसका उद्देश्य था सॉफ्टवेयर में loopholes शो करना। टुडे आजकल क्या हो रहा है, टुडे आजकल हमको क्या दिखता है, क्या हो रहा है आजकल, ऑलमोस्ट 87% ऑफ ऑल वायरसेस आर स्प्रेड। 87% वायरस फैलाए जा रहे हैं कैसे, थ्रू द इंटरनेट। 87% वायरस आजकल
इंटरनेट के माध्यम से फैलाया जा रहा है, ये हमको आजकल नजर आ रहा है। तो हमने देखा वायरस क्या है ना, वायरस क्या है, एक प्रकार का छोटा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की जो दैनंदिन जो कार्यान प्रणाली होती है उसको वो कहीं ना कहीं धोखा निर्माण करता है, उसमें कहीं ना कहीं वो रोक निर्माण करता है, उससे काम करने में दिक्कतें पैदा करता है, ये काम होता है वायरस का। दुनिया में अभी तक 30,000 कंप्यूटर वायरसेस मौजूद है और रोज के 300 नए वायरस हर महीने 300 वायरस नए बनाए जा रहे हैं। कंप्यूटर वायरस का फैलने का मुख्य कारण या मुख्य स्रोत क्या होता है कि फाइल्स या डिस्क के माध्यम से वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फैलाया जाता है, ये फैलाया जा सकता है या फैल सकता है। और आजकल 87% वायरस जो है वो इंटरनेट के माध्यम से आ रहे हैं या फैलाए जा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं सिम्टम्स, अगर किसी कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि उसमें वायरस आया है या वो कंप्यूटर वायरस से फिल हो गया है, वायरस उसमें उस कंप्यूटर में मौजूद है, ये हमको पहचानना है। तो हम लोग उसको बोलेंगे सिम्टम्स। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्टम्स ऑफ वायरस अटैक। सिम्टम्स ऑफ वायरस अटैक, वायरस ने कंप्यूटर के ऊपर में अटैक किया है, हमला किया है, हमारे कंप्यूटर ये वायरस से प्रभावित हो चुका है, ये हमें कैसे पहचान में आएगा, इसको हम कैसे जान सकते हैं। इसके लिए हम लोग देखेंगे कंप्यूटर रन slower than usual, उसकी यूजुअल जो काम करने की जो स्पीड है, जो वेग है कंप्यूटर का, उससे वो धीरे चलता है। काम की जो कालावधि है, जो जो काम को करने की जो उसकी स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है, कंप्यूटर रन स्लोअर देन यूजुअल। उसके बाद में कंप्यूटर नो लॉन्गर बूट अप, कंप्यूटर के शुरू होने में भी दिक्कतें आती है, स्क्रीन समटाइम्स फ्लिकर्स, स्क्रीन फ्लिकर होती है, मतलब अनावश्यक चीजें स्क्रीन के ऊपर में हमको दिखने लगती है, विविध प्रकार के ऑप्शंस भी हो सकते हैं, विविध प्रकार का मेनू अपने आप खुलना शुरू हो सकता है, स्क्रीन के ऊपर में हमको विविध तरह की चीजें दिखते हैं, स्क्रीन समटाइम्स फ्लिकर, स्पीकर बीप्स पीरियडिकली, कभी कभी स्पीकर भी जो है वो समय समय पर बीप देता है, स्पीकर बीप्स पीरियडिकली, सिस्टम क्रैशेस फॉर नो रीजन, मशीन अपने आप बंद हो जाएगी बिना किसी
कारण कि बिजली शुरू, बिजली का सप्लाई शुरू है, सारी चीजें अच्छी है, सही चल रही है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर बंद हो सकता है, सिस्टम क्रैशेस फॉर नो रीजन, बिना कारण कंप्यूटर क्या हो जाएगा, बंद हो सकता है। फाइल डायरेक्टरी समटाइम्स डिसअपीयर, हमारे कंप्यूटर के अंदर में मौजूद हमने बनाए हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ फाइल्स हो सकते हैं, वो कभी कभी अपने आप वहां से चली जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, हमें नजर नहीं आती है ना। हमने कोई फाइल बना के रखी है, हमने कोई डेटा बना स्टोर करके रखा है, हमारा वो डेटा भी वहां से डिसअपीयर हो सकता है। फाइल्स डायरेक्टरीज समटाइम्स डिसअपीयर, वहां से हमारी फाइल्स, हमारे डायरेक्टरीज, हमारे डॉक्यूमेंट्स, ये हमें एक समय के बाद में दिखना भी बंद हो सकता है। ये सारी चीजें अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस आता है तो इनमें से ये चीजें हमको, ये सिम्टम्स, ये लक्षण है हमें नजर आती है। उसके बाद में छठवां है कि हम जो भी काम करने जा रहे हैं उस काम को डिनाई कर दिया जाता है, उसका विरोध कर दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस। हम जो भी कंप्यूटर में प्रोसेस करने जा रहे हैं, हम जो भी काम करने जा रहे हैं, उसका क्या कर दिया जा रहा है, विरोध कर दिया जा रहा है, ये काम नहीं हो सकता। तो ये सारे जो है लक्षण है, अगर हमारे कंप्यूटर के में अगर नजर आते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर में वायरस ने प्रवेश कर लिया है। हमने कंप्यूटर में होने वाले लक्षण तो देख लिए वायरस के, अब हम लोग देखते हैं प्रकार, वायरस के प्रकार, टाइप्स ऑफ वायरसेस। वायरस के कौन कौन से प्रकार होते हैं और वो हम लोग कैसे पहचानते हैं, उनके क्या गुणधर्म होते हैं, इसके बारे में हम लोग एक शॉर्ट में देखते हैं। पहला हम लोग देखेंगे ट्रोजन, एक होता है ट्रोजन वायरस। अब ये ट्रोजन वायरस है या कोई और वायरस है, इसके गुणधर्म क्या है, ये हम लोग देखते हैं। रिक्वायर्स विंडोज टू वर्क, रिक्वायर्स विंडोज टू वर्क, ट्रोजन वायरस को क्रियान्वित होने के लिए विंडोज की ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। वंस इंफेक्टेड रन्स इन द बैकग्राउंड, एक बार ये अगर हमारे कंप्यूटर में प्रवेश करता है तो ये बैकग्राउंड में काम करता है। वंस इंफेक्टेड रन्स इन बैकग्राउंड, एक बार ये हमारे कंप्यूटर में प्रवेश कर गया तो ये बैकग्राउंड में अपना काम करते रहता है, अपने ये बैकग्राउंड में एक्टिवेट होता है। कौन सा वायरस, ट्रोजन वायरस।
इसके बाद हम लोग देखते हैं वॉर्म, वायरस का दूसरा प्रकार वॉर्म। अब ये जो वॉर्म है, ये वॉर्म के क्या गुणधर्म है? अब ट्रोजन वायरस है या वॉर्म है, ये हम लोग कैसे करेंगे? वॉर्म जो है ये नेटवर्क पर ही फैलता है, स्प्रेड ओवर नेटवर्क। वॉर्म जो है ये नेटवर्क से ही फैलता है, नेटवर्क कनेक्शन के द्वारा ही इसका प्रवास होता है, सफल होता है, प्रवाह होता है। और वॉर्म्स रेप्लिकेट, वॉर्म्स क्या होता है? रेप्लिकेट होता है, फैलते जाता है। वॉर्म जो है वो ऑटोमेटिकली फैलते जाता है, अपनी संख्या को बढ़ाते जाता है। इसके बाद में तीसरा हम लोग देखते हैं मैक्रो, मैक्रो वायरस। अब ये जो मैक्रो वायरस है ये स्पेसिफिक टू सर्टन एप्लीकेशन, ये हर किसी के लिए घातक नहीं है, ये वायरस हर किसी के लिए घातक नहीं है, स्पेसिफिक टू सर्टन एप्लीकेशन। ये कुछ सीमित एप्लीकेशन के लिए ही ये घातक होता है। ये कुछ सीमित या चुनिंदा ही एप्लीकेशन को ये अपना शिकार बनाता है। दूसरा है कंप्राइज ए हाई परसेंटेज ऑफ द वायरस, कंप्राइज ए हाई परसेंटेज वायरस, कंप्राइज ए हाई परसेंटेज ऑफ वायरस। हमने कितने प्रकार देखे अभी? तीन प्रकार, ट्रोजन, वॉर्म और मैक्रो। और इसके अलावा एक वायरस होता है, वो है ईमेल वायरस। कौन सा वायरस है अगला? चौथा प्रकार हम लोग देखेंगे, ईमेल वायरस। अब ये जो ईमेल वायरस होता है, ये जो ईमेल वायरस होता है इसके क्या गुणधर्म होते हैं? एंड ईमेल वायरसेस ट्रैवल्स एज एन अटैचमेंट, ट्रैवल्स एज एन अटैचमेंट। ईमेल वायरस जो है वो ईमेल के साथ में एक अटैचमेंट के माध्यम से हमारे कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। इसलिए हम लोग जब कोई ईमेल हमारे बिना पहचान का होता है तो हम लोग उसे स्पैम या फिर जंक में हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, जंक या स्पैम। क्यों? क्योंकि अनजान लोग ईमेल के द्वारा हमारे कंप्यूटर में
वायरस अटैक हो सकता है ना। तो ईमेल वायरस कैसे आता है, एन ईमेल वायरस ट्रैवल्स एज एन अटैचमेंट टू ईमेल मैसेजेस। वो ईमेल के मैसेज में अटैचमेंट के माध्यम से हमारे कंप्यूटर में प्रवेश करता है एंड यूजुअली रेप्लिकेट्स इटसेल्फ हमारे कंप्यूटर में प्रवेश करता है और अपनी संख्या बढ़ाता है बाय ऑटोमेटिकली मेलिंग इटसेल्फ। ऑटोमेटिकली मेल करता है खुद ही को टू डजन्स ऑफ पीपल। अपने आप डजन्स ऑफ पीपल्स को मेल करना शुरू हो जाता है या मेल भेजता है इन द विक्टिम्स ईमेल एड्रेस बुक जिस किसी के कंप्यूटर में ये वायरस प्रवेश करता है जो विक्टिम होता है उसके ईमेल एड्रेस में कई वो सारे लोगों को मेल भेजा हुआ उनको दिखता है और इस तरह से ये ईमेल वायरस हमारे ईमेल को प्रभावित करता है और हमारे कंप्यूटर को प्रभावित करता है। यह हमने देखा टाइप्स ऑफ वायरसेस।